हे गाइस, क्या दोस्तों आपके पास भी अपना पैन कार्ड नहीं है या आपका अपना पैन कार्ड नहीं बना हुआ है? और तो और दोस्तों, आपका कुछ काम आ गया है पर अपना बिना पैन कार्ड के आप उसे आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है कि किस तरह से हम अपना ई पैन कार्ड अप्लाई करेंगे विद इन 5 मिनट्स के अंदर। तो दोस्तों, ई पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक्ड अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है। और तो और दोस्तों, ये जो अपना ई पैन कार्ड है और अपना फिजिकल पैन कार्ड, ये दोनों सेम ही वर्क करते हैं। आपको इसके लिए कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है। आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं और विद इन हावर्स के अंदर इसको डाउनलोड कर भी लेंगे। तो दोस्तों, किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और तो और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से विजिट कर सकते हैं, ठीक है, या आप नॉर्मली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आके इस पोर्टल पे आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहां पर आने के बाद देखिएगा दोस्तों, इस तरह से आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। आप इसे ड्रॉप डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए यहाँ पर ना एक इंस्टेंट ई पैन कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पोर्टल आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है अपना, देखिए इजी एंड प्रिपेयरलेस प्रोसेस, गेट अ पैन विद इन 10 मिनट्स, होल्ड एज पर वैल्यू फिजिकल पैन, और दोस्तों अपना ये नीड डॉक्यूमेंट जो अपने लगेंगे वो अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड, और आधार कार्ड से लिंक जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट अ न्यू पैन कार्ड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर आधार कार्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आ जाएगा। आप क्या करेंगे, हम इधर अपना आधार कार्ड नंबर हम अपना इधर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद हम इसे अपना चेकबॉक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पे हम इसे क्लिक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे ओटीपी वैलिडेशन, ठीक है। आप इधर ड्रॉप डाउन करेंगे, इसे चेकबॉक करेंगे रीड, आप यहाँ पर पूरा पढ़ भी सकते हैं चाहे तो, और हम इसे आगे कंटिन्यू पे हम इसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जो आपके आधार कार्ड से लिंक जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक कोड आएगा, वो कोड हम इधर इसे फिल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ओटीपी फिल करके हम इसे चेकबॉक पे हम इसे क्लिक करेंगे और इसे हम अपना कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप इसे सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आपके पैन कार्ड की डिटेल आ जाएगी। और तो और दोस्तों, अगर आपके पैन कार्ड की डिटेल आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद नीचे आपका ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा कि आपका दोस्तों यहाँ पर अगर ईमेल आईडी लिंक्ड नहीं है आपके आधार कार्ड से, आप यहाँ पर अपनी लिंक ईमेल आईडी करके जो आप रखना चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी डाल के उसे सबमिट सेंड ओटीपी पे करके और उसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप उसे जैसे ही आप उसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका आई एक्सेप्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके हम इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर आके इसको जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरह से पोर्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा आपका, इस जगह पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। आप इसको कॉपी करके अपनी कहीं पर सेव कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से आप इनकम टैक्स के होम पेज पे आएंगे और वहां पर जाके हम क्या करेंगे, अपना
चेक करेंगे अपने जो ई पैन कार्ड है उसका स्टेटस। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएंगे दोबारा से होम स्क्रीन पे। अब क्या करेंगे, हम इंस्टेंट ई पैन पे हम जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पोर्शन हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पोर्शन आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने आएगा चेक स्टेटस डाउनलोड पैन। ठीक है, हम क्या करेंगे कंटिन्यू पे हम इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहां पर आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करके जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस वैसा ही होगा, आपका वहां पर OTP मांगेगा, आप वहां पर अपना OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने पोर्शन आ जाएगा जिसके अंदर आपका दिखाएगा करंट स्टेटस ऑफ योर न्यू ई पैन रिक्वेस्ट। यहां पर आपका पेंडिंग दिखाएगा और यहां पर लिखा हुआ आएगा थैंक यू फॉर यूजिंग ई पैन सर्विस, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स, प्लीज चेक आफ्टर एन आवर्स। अराउंड 1 से 2 घंटे में आपका ई पैन बन के ईजिली बन जाएगा, आप उसके बाद आराम से अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। सो गाइस आई थिंक सो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। सो गाइस अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही साथ ऑल पे जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।